कर रहे हैं, इनका करे तो क्या करे भाई। ये देखो मुझे कैसे नहा रहे हैं। बस कर रहे हैं टाइम पास लेताई का। नंदी महाराज, नंदी महाराज। तो दोस्तों अभी मैंने जो सेट किया है गोप्रो को, वो सुपर व्यू में सेट किया है और 30 एमपीएस पे हुआ है और 4K रिजोल्यूशन में सेव हो रही है ऑडियो वीडियो 4K रिजोल्यूशन में सेव हो रही है। 1080p 60 पे सब बोलते हैं गोप्रो, अगर मोटो ब्लॉगिंग कर रहे हो तो उस पर सेट करना चाहिए, मगर अभी मैंने किया है 4K 30 fps। उसका डिफरेंस दिखाता हूँ। अभी गांव से निकले थे तब मैंने किया था 4K 60 fps। fps का भी आपको फंडा बताते हैं अलग वीडियो में, मगर आपको कंपैरिजन पता चल जाएगा कि हो क्या रहा है, सुपर व्यू में कितना बड़ा व्यू दिख रहा है और क्या दिख रहा है। 30 में एक चीज़ बता दूँ, 30 fps में जो चलता हुआ दिखेगा ना, वो थोड़ा कम दिखेगा और 60 fps में ज़्यादा करेंगे। होता क्या है, शटर स्पीड होती है एक तरीके से। अगर आप करोगे, अगर नाइट को शूट कर रहे हो ना, तो 30 fps पे करो, अच्छे से व्यू दिखेगा आपको। और अभी जैसे धूप वगैरह है और अच्छा रोशनी आ रखी है तो 60 पे करो, यही रहता है। और 30 जो सिनेमेटोग्राफी होती है वो होती है 24 fps पे। सिनेमेटोग्राफी अगर किसी को शूट करनी है तो 24 fps पे होगी, 25 पे कर लेते हैं, मगर 24 पे ही होती है ज़्यादा। एक्सपेरिमेंट भी हो चुके हैं सिनेमेटोग्राफी पे, ज़्यादा बढ़ा के किया है मगर वो रिज़ल्ट नहीं आया। अगर एडिटिंग करते टाइम उसको 24 fps पे ही रखना पड़ता है। सिनेमेटोग्राफी का आपको पता ही है कितना स्कोप चल रहा है, मैं भी वही धीरे धीरे ट्राई कर रहा हूँ। ब्रोक पे आपको सब कुछ सीखने को मिलेगा, साथ में देखोगे तो भाई देखो हर चीज़ें सिखाऊंगा, क्योंकि ग्राफिक डिज़ाइनर मैं खुद हूँ, मेरे को वीडियो एडिटिंग भी आती है और कुछ चीज़ें मैं भी सीख रहा हूँ जो मेरे को आगे जाके करियर बनाना है। यार डेस्क जॉब से बड़ा परेशान हो चुका हूँ मैं, इस चक्कर में ही मैंने यूट्यूब तो बहुत पहले से सोच रहा हूँ स्टार्ट करेंगे मगर स्टार्ट किए कर ही नहीं पा रहे थे, तो फिर गोप्रो लिया। चलो यार सबको कुछ ना कुछ खर्चे वगैरह दिखते ही रहते हैं, ऐसे कमाए भी मगर लगते ही रहते हैं, मगर अभी थोड़ा खुद के साथ ज़बरदस्ती करके गोप्रो ले लिया है। क्लास इससे स्टार्ट करो, फिर धीरे धीरे सिनेमेटोग्राफी में भी मोटो व्लॉग आपको दिखाएंगे। ऐसे तो मोटो व्लॉग चल ही रहा है, नया कुछ दिखाएंगे सिनेमेटोग्राफी का। ट्रैवल की एक परिभाषा ही अलग बनाने की ट्राई कर रहा हूँ मैं, जो देखते ही मज़ा आ जाए बस। तो देखते रहो कब कब क्या क्या सीखते हैं, मैं जितना देख रहा हूँ मोटो व्लॉगिंग में बहुत सीख रहा हूँ और आपको बता रहा हूँ। हाँ बैठ के मैंने शूट नहीं किया है, इसको निकल लेते हैं, कर लेते हैं भाई। देखो कैसे चला रहा है, देख के चलाओ भाई देख के। तो मैं बोल रहा हूँ बहुत काफ़ी शूट किया है, मैं बैठ के आपको शूट करूँगा क्या क्या सीखा मैंने और क्या क्या प्रॉब्लम आई है सीखते टाइम, क्योंकि वीडियो का शूट वगैरह तो मैंने किया नहीं, ग्राफिक में काफ़ी काम किया है, स्लो डेक्स जो मैंने सारी की है। अभी एडवांस में जो जो हो रहा है, नई नई चीज़ें समझ में आ रही है, क्योंकि देखो सीखना पूरी उम्र कम नहीं होता, तो इसमें तो इसी में हम सोचते सिनेमेटोग्राफी भी सीखेंगे। मेरा वो है कि जब मोटो व्लॉगिंग नहीं हो रहा तो वेडिंग का हम स्टार्ट करेंगे, हम जैसे दोस्त से बात हो रही है, हिसार का है फ्रेंड, तो वो गाने शूट करता है, हरियाणवी गाने शूट करता है, तो उसके साथ भी जुड़ेंगे। इस साल तो बस आपका सपोर्ट चाहिए, इस साल जैसे ही ये साल होगा उसके बाद में हम बाहर निकलना स्टार्ट कर देंगे। एटलीस्ट यार जब कुछ इनकम सोर्स बन जाए तब छोड़ने का मज़ा अलग होता है, क्योंकि जॉब तो देखो कम तो कमाऊँगा अभी, मगर कुछ सोर्स दूसरा मिल जाए तो ये तो रहेगा चलो कुछ ना कुछ तो आ ही रहा है, मगर जो सीखने को मिलेगा आपको वो अल्टीमेट सीखने को मिलेगा अगर हम मेरे से जुड़े रहे तो। क्योंकि बहुत चीज़ें तो मैं पहले ही सीख चुका हूँ, 10-11 साल ग्राफिक डिज़ाइनिंग में हो गए मेरे को, वीडियो एडिटिंग कर रहा हूँ, डिज़ाइनिंग वगैरह कर रहा हूँ, टाइम नहीं दे पा रहा। आपने देखा होगा तो थंबनेल है, वो भी ऐसे ही बना के डाल दे रहा हूँ, नहीं तो थंबनेल भाई ऐसे मतलब
जो पेशेंसली बनाते हैं ना उनके थंबनेल चेक करो, वो मैं दूसरों के लिए बना पा रहा हूँ, अपने लिए कर ही नहीं पा रहा हूँ यार। दिक्कत ये है कि टाइम नहीं है, जॉब ऐसी है कि नाइट शिफ्ट करनी पड़ रही है और वो प्रेशर रहता है, सुबह भी काम करो शाम को भी काम करो, और उस चीज़ से मैं इरिटेट हो गया हूँ। मेरे को करीबन 5 साल हो गए, अगर मैं 5 साल पहले स्टार्ट कर लेता तो शायद अभी इस चीज़ से हो जाता फ्री, मगर कोई नहीं, जब स्टार्ट किया है तो कुछ ना कुछ तो देखते ही हैं। तो अभी एंट्री हो गई है हमारे, जैसे अपने गांव से चिड़ी से निकले तो बीच में कथूरा आया था, वहाँ बता नहीं पाया आपको कथूरा आ गया। अभी जो ये पेट्रोल पंप स्टार्ट हुआ है, ये हुआ है बंडेरी की सीम के अंदर, और ये बैंकेट हॉल भी बना हुआ है इधर, स्विमिंग पूल का भी बोर्ड लगा हुआ है, मगर वहाँ गए नहीं हैं, कभी जाएंगे तो आपको भी दिखाएंगे कैसा बना हुआ है इस गांव में। और ये जस्ट स्टार्ट होते ही गांव के अंदर का रास्ता है, ये हाईवे तो सीधे ही सीधे निकल रहा है, क्रॉस करते हुए अपर से नहीं जाना पड़ रहा हमें, मगर यहाँ आते टाइम एक ही प्रॉब्लम रहती है, यहाँ का जो रोड बना हुआ है ना भाई, वो अगर तुम RX 500 R15 लेके आओगे ना भाई, कसम से जो हाथ की बैंड बजाता है ना, मैं लेके आया था तो हाथ की जो बैंड बजाई थी ना उसने, पूछो मत। एक तो R15 पे झुकना पड़ता है, अच्छे रोड मिले तो चलो ठीक है आप रिलैक्स से हो जाओगे, मगर रोड अच्छा नहीं होना तो R15 पे भाई राइड करना है ना महाभारत ही हो जाता है। और ये देखो इससे बड़ा परेशान रहता हूँ मैं, अगर वाइट पट्टी लगा दे तो इन ब्रेकरों के ऊपर, अरे भाई ब्रेकर बना देते, वाइट पट्टी लगाते नहीं है यार, एक्सीडेंट हो जाए रात को किसको दिख रहा है, यहाँ वो स्ट्रीट लाइट भी नहीं लगी हुई, तो गलत बात है। तो अभी इतना ऐसा ही गाँव था, क्रॉस कर लिया हमने गाँव, निकल चुके अभी आगे दिखाएं। ये अभी हमने एंटर कर दिया आहुलाना गांव में, हुलाना बोलते हैं वैसे देसी उसमें, बाकी इसका नाम आहुलाना है, आहुलाना। तो अंदर आते ही हमें मंदिर दिख गया, और यहाँ का यार ऑफ रोडिंग तो मेरे को सिर्फ वैसे ही हो जाती है, ये लगा लो यार, ये आपको देखो यहाँ के तो ये मजे हैं, जय सुख दुख। ये भाई जरा देख के चलो, आगे ही नहीं पीछे भी, पीछे ही नहीं दाएं भी, दाएं ही नहीं बाएं भी, ऊपर ही नहीं नीचे भी, ए भाई जरा देख के चलो। ए भाई जरा देख के चलो, पीछे ही नहीं ऊपर भी, ऊपर ही नहीं नीचे भी, ए भाई टनना। और ये आ गया आहुलाना के अंदर से जा रहा है, रेलवे स्टेशन की तरफ आप जा रहे हो तो बड़ौदा रोड की तरफ जा रहे हो तो यहाँ से जा सकते हो, अपने पहलवान का गांव बड़ौदा रोड के ऊपर है तो हम यहाँ से क्रॉस कर रहे हैं, ये एक तरीके से शॉर्टकट है, नहीं तो हमें वो अंदर सिटी में घुसना पड़ता, सिटी के अपर पे फिर जाना पड़ता और फिर उधर जाना पड़ता, तो ये हमने शॉर्टकट ले लिया है। ये देखो वार्तालाप बिल्कुल बीच में खड़े होके कर रहे हैं, इनका करे तो क्या करे भाई, ये देखो मुझे कैसे नहा रहे हैं भाई, गांव के तो ये मजे हैं, शहरों में कहाँ मिलेंगे मजे यार, गांव की लाइफ भी जी के देखो। अभी देखो हरियाली धीरे धीरे ना इस महीने से बढ़ने लग जाएगी, क्योंकि ये तो देखो ईख है, गन्ने वाले उसको, शुगर कैन को हम बोलते हैं ईख का खेत,
गन्ना बोलते हैं जिसे, तो वो तो लगे हुए हैं। और धीरे धीरे जो ये बुआई चल रही है, ये चल रही है आपकी धान की बुआई। धान हम बोलते हैं आप समझो तो चावल, चावल को। ये देखो हरियाली भाई, कहीं कहीं हरियाली है मगर काफ़ी जगह है, बहुत ज़रूरत है। पेड़ जितने भी लगाओगे, ट्रीज जितने भी लगाओगे उतना अच्छा है। ये तो होता ही, जितने पेड़ होते हैं ना उतना अच्छा रहता है। बाढ़ की आने की, सूखा पड़ने की सारी दिक्कतें दूर हो जाती हैं अगर हरियाली है जहाँ। और भाई गर्मी वहाँ इतनी नहीं पड़ती जहाँ हरियाली होती है। बचपन में तो बहुत रहता था, अभी ज़्यादा रह नहीं पा रहा हूँ खेत में काम वाम के चक्कर में। जब भी रहते थे ना भाई, मतलब पूरी धूप है मगर खेतों में पेड़ के नीचे इतनी अच्छी ठंडी लगती थी, हवा बस पूछो मत, मज़ा ही अलग आता था। अगर जीना है तो लाइफ गांव की अच्छी है, मगर यहाँ बस पैसों से परेशान रहते हैं, ये दिक्कत है। मेल जोल भी काफ़ी रहता है। तो ये आ गया अपना बरोदा रोड, बरोदा रोड पे हम, ओ यहाँ पानी आया हुआ है नहर का। नहर तो यार अपनी तरफ की भी आनी चाहिए। यहाँ भी स्मेल आने लग गई भाई, शायद भाई किधर ही खड़ी है, घर पे ही होगा शायद। कैमरा ताई इसका बस कर रहा टाइम पास। इसमें 100 रुपये 110 आंधा चोल लिया है, आधी किलो उनको बढ़िया चोल दे दे 30 क्या होंगे। ताई का भी दूध ले चल ले हाँ पा डेयरी में देने ती ताई की। ताई आई तो है वीडियो में। ये थारी डेरी ले ताई का। हो गया दोनों का। न्यूट्रल तो इसका ही भी विचस रहा है, इसके पत्ती लग रहा है। चल लेते यार ये भी झोटा है सी है, मचा लेते ये भी झोटा है सी है। अगले टायर में हवा ना अमड़ी ये भी मत जान, इसकी नू की नू है। कै साल हो लिया, 15 में लाया था तो ये भी उसी चल की तो नू ने देवता का नंदी महाराज, नंदी महाराज जय हो जय हो जय हो। तू कहीं है छाया। हेलो भाई, आड़त ताई के चावल लेने हैं, चावल लेगा पहलवान आवा है। चलना है फिर